आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ आवर कंटिन्यूटी. Now, as per the knowledge of continuity, as we know that what is my continuity, so it is very, very important to know how to find the continuity of the function. And after doing all this, we are moved to the next question. That is question number 43. So, first of all, just see on the question ki kya kya diya hua. So, when you are x to the power 4 minus 5x square plus 4. आपको एक चीज ध्यान में आएगी बेटा कि this is the polynomial in which some terms are missing. So वो terms क्या है? That is x to the power 4 plus 0x cube minus 5x square plus 0x plus 4. यानी जो जो टर्म मिसिंग थे वो टर्म के लिए कोएफिशिएंट कितना लिखा लिए, तो जीरो लिखा लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. मेरे पास कंफर्म दो फैक्टर चल रहे हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. जस्ट मूव आउट हियर कि हम लोगों को यहाँ पे करनी होगी सिंथेटिक डिवीजन में. सो फर्स्ट फैक्टर कंसिडरिंग एज x इज इक्वल टू 1, ये ले लिया मैंने. Then writing the coefficients of term x to the power 4 cube, whatever the term, x to the power 4, 1, 0, minus 5, 0, 4. फिर हम लोगों का synthetic division कैसे आता, तो 1 keep as it is a 1. Now 1 into 1, 1, 0 plus 1, 1. Then again in the next term, 1 into 1, so 1. माइनस फाइव प्लस वन कितना हुआ, माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर, जीरो माइनस फोर माइनस फोर, नाउ जीरो माइनस फोर माइनस फोर एंड वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर, दिस गिव्स अस द आंसर जीरो. ये हमें आंसर क्या देगा, तो जीरो देगा. इट मीन्स अवर कंफर्म फैक्टर इज एक्स माइनस वन, सेकेंड वन इज, अभी यहाँ पे पावर फोर था, एक से कम करा के लिख लो, एक से कम करा के इट मीन्स क्यूब टू वन जीरो. सो एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, ये पावर फोर. सो सॉल्व करते हैं फॉर अवर फर्स्ट वन, दैट इज इफ लिमिट किसके तरफ जा रही, तो इफ लिमिट x tends to 1, the value of x minus 1, another bracket, x cube plus twice x square minus 4x minus 4 and has upon, कितना है बेटा, तो x minus 1, x minus 4. देखो क्या क्या पार्ट चार्ट पॉसिबल है यहाँ पे. सो हमारे यहाँ पे x minus 1 गेट कैंसिल. क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, तो बिल्कुल भी नहीं. इसका मतलब ये हम लोग एक्स पुट कर लेंगे वन, सो वन क्यूब वन प्लस टू इंटू वन टू माइनस फोर एंड अगेन माइनस फोर अपॉन वन माइनस टू, कितना हुआ टोटल हमारे पास, उसे चेक करा लीजिए. सो व्हाट आर द वैल्यूज, नाउ वन वन प्लस वन टू, टू माइनस फोर माइनस टू एंड माइनस टू माइनस फोर इट्स अ माइनस सिक्स अपॉन माइनस वन, सो वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स. यस द वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स. इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन, कहां पे कंटिन्यूअस हुआ, ऑन वन. सेकंड वन, फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट, और कहां पे कंटिन्यूटी ढूंढनी है, एट x इज इक्वल टू. हमारा पहला फैक्टर आ गया था x माइनस वन, और दूसरा जो टर्म हमारे पास बचे हुए थे दैट आर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 फैक्टर्स चल रहे थे, जहां पे ये टर्म अगर फिर से ला लूं मैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. सेकंड फैक्टर क्या आपका, तो आपका सेकंड फैक्टर यहाँ पे टू. अभी अगर टू के लिए हम लोग पॉसिबिलिटीज लेके जा रहे हैं, सो वैल्यूज आर वन वन माइनस फोर
माइनस फोर, वन को नीचे उतार लिया, वन ही रहा, टू इंटू वन जो, फिर यहाँ पे हो गया हमारा थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स, ये हुआ प्लस टू, टू इंटू टू फोर, माइनस फोर प्लस फोर, इट्स अ जीरो. सो अवर नेक्स्ट फैक्टर्स आर x माइनस वन, x माइनस टू, नाउ फिर से पावर उतार लिया, सो x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. नाउ सी अभी लिमिट किसके तरफ लेके जाएंगे, सो नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू टू. व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट एक्सटेंड्स टू टू, फैक्टर्स आर x माइनस वन, x माइनस टू, x square plus 3x plus 2 and upon कितना है बेटा upon में, so upon में है x minus 1 and x minus 2. क्या क्या term cut chart हुए, तो x minus 1, x minus 2 both the terms get cancelled. x किसके तरफ जा रहा, तो x जा रहा x tends to किसके तरफ जा रहा, this term. So 2 square 4 प्लस थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू टोटल इज इक्वल टू 12, यानी ये भी हो गया. इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन, कहाँ पे हो गया, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर. सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. अभी यहाँ पे एक मीनिंग देखे, आर माइनस आर माइनस वन कॉमन, इसका मतलब होता है अगर वन या टू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बना रहता तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली आंसर दिए रहे. क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर. वैल्यूज को कवर करो बेटा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर है ऐसे टर्म दी हुई. अगर मॉड निकालते हैं तो मॉड निकालना यानी ये ऐसा हो गया, पहला x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के साथ, दूसरा निगेटिव के साथ, इट मीन्स x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का मतलब हुआ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. सो विच टू पॉसिबिलिटीज आर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी कब आएगी, वेयर एक्स लेस देन 0 चल, और सेकंड पॉसिबिलिटी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब आएगी, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0. वैल्यूज डाल के देखो बेटा, क्या ये पॉइंट्स पे तुम्हारे पास कौन से पॉइंट लेना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू. सो फर्स्ट अगर पॉइंट ले रहे हैं हम लोग या फिर सेकंड के लिए जब ले रहे हैं तो एट बोथ द पॉइंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड एक्स इज इक्वल टू 0 देखना है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल. फर्स्ट ऑप्शन में एक्स इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट डिफरेंशिएबल. बढ़ते नेक्स्ट के तरफ. सो हमारा फंक्शन चल रहा था कंटिन्यूएशन, सो सेम वैल्यूज फॉर एक्स लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1. सो वैल्यूज कैसे कवर कराएंगे, देखो बेटा 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है. अभी दोनों पैटर्न में हमारे पास आंसर इज इक्वल टू कितना मिल रहा, 1 कब मिल रहा, जब हम लोगों ने फंक्शन के जगह पे डाला एक्स इज इक्वल टू 1, इट मीन्स अवर फंक्शन कैसे हो गया, कंटिन्यूअस हुआ पर क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्ट वैल्यूज आर दी, दिया हुआ फंक्शन कैसे, दैट इज द फंक्शन, उसका फॉर्मेट क्या है, ई टू द पावर माइनस, सिर के ऊपर जाके बैठा है माइनस, वो पावर के साथ उसे कवर कराएंगे बेटा. सो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स. अभी माइनस जब मैंने मॉड ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, तो दो पॉसिबिलिटी. पर यहाँ पे देखो वादा कैसे होगा, पहला ई टू द पावर माइनस जैसे का वैसे, e टू द पावर माइनस जैसे का वैसे, दोनों इसमें जब मैं कंसीडर करूं x
लेस देन जीरो, ठीक है, एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब मॉड में का निगेटिव निकालना होगा. और जब मैं कंसीडर करूं x ग्रेटर देन जीरो, सो मॉड में का पॉजिटिव लेना पड़ेगा यानी माइनस. इट मींस आपके पास फंक्शन कौन से दो पॉसिबिलिटीज के साथ आ गया, तो e टू द पावर x व्हेन x लेस देन जीरो एंड e टू द पावर माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन जीरो. अभी वैल्यू डाल दीजिए बेटा. वैल्यूज डालने पे हमें कंटिन्यूटी ढूंढना है. इट मींस वी नीड टू फाइंड द टू, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. राइट हैंड लिमिट के लिए e टू द पावर माइनस 0 व्हिच इज नथिंग बट द e टू द पावर 0 अगेन वैल्यू 1. इट मींस फंक्शन कैसे हुआ, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ. फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे हुआ, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हुआ. पर क्या दिया हुआ, फंक्शन x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी होगा क्या? देखो फंक्शन टू पॉसिबिलिटीज, e टू द पावर x, x लेस देन 0, e टू द पावर माइनस x, x ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x simply e to the power x. After substituting the value e to the power 0 is 7. Derivative of e to the power minus x is minus e to the power minus x. It means minus e to the power 0 that is equal to minus 1. Now left hand derivative is not equals to the right hand derivative. It means our function is continuous everywhere but not differentiable. कहाँ पे differentiable नहीं, at x is equal to 0. Move to the next question. Question number 46. Now read the question carefully. What values are given? The function is defined as under. फिर continuity, differentiability, continuity वही चीजों को ढूंढना. सबसे पहले ढूंढ लेते left hand limit. कौन सा function जाएगा left hand limit के लिए? So limit x tends to 1 e to the power 3 to the power 1 and 3 to the power 1 means simply 3. Second कौन सी limit? So right hand limit. Right hand limit के लिए क्या करना होगा? So limit x tends to 1 4 minus x. X किसके तरफ जा रहा? तो 1 के तरफ जा रहा. It means 4 minus 1 that is equal to 3. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. फंक्शन कैसा हुआ, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ. कहां पे? तो एट x इज इक्वल टू 1 पे. सेकंड, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं. ढूंढना है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x, 3 to the power x into log. Again the value of x tends to 1. 3 to the power 1 means 3. It means we are getting 3 log 3. Then this is the left hand derivative. Then for the right hand derivative, derivative of 4 0, derivative of x 1 that is equal to minus 1. Left hand derivative is not equals to right hand derivative. It means our function is कैसे था, continuous but not differentiable. कहाँ पे? At x is equal to 1. Move to the next question. What is given in the question number 47? So values are 1 minus 10x upon 4x minus pi. Now the x is not equals to pi by 2. X belongs to कहाँ पे belong कर रहा? तो 0 to pi by 2. If f of x is continuous on, अगर 0 से लेके pi by 2 तक function continuous है, तो f of pi by 4 की value ढूंढने के लिए बोलो. ना हमें और क्या दिया था, तो function continuous था कहाँ पे, at x is equal to pi by 4 in the domain 0 to pi by 2. से limit किसके तरफ जा रही, तो x tends to pi by 4.
values are 1 minus tan x upon 4x minus 5. These values are given. Simply use the L'Hospital rule. Now according to that, limit x tends to pi by 1. Derivative of 1, 0. Derivative of tan x, secant square x upon derivative of 4x, 4. Derivative of pi, 0. Now the value of secant pi by 4 is a root of 2 and its square upon 4, it means 2 by 4, and 2 by 4, which is nothing but the minus 1 by 2, which is lies in our option number C. Now move to the next one. What exact values are we? The function is continuous at कहाँ पे continuous है वो ढूंढना है या नहीं है वो भी important है. Left hand right hand limit देखो बेटा आपको दो term की मिल रही, minus one की भी मिल रही left right limit और plus one की भी मिल रही. अगर मैं right hand limit for x tends to minus one की तो ये हो गई which having the value x and x is equal to कितना minus one. फिर ले लो राइट हैंड लिमिट, सॉरी फिर ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस 1 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा तो 1 एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट कहां पे तो x इज इक्वल टू माइनस 1. सेकंड भी डायग्राम में देखते हैं राइट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 कौन सा है x tends to 1 के लिए राइट हैंड लिमिट. सो सिंपली 1 अगेन द लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट. फिर बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के तरफ x tends to 1 एंड x इज देयर वैल्यू इज 1. फंक्शन क्या हुआ तो फंक्शन का कंटीन्यूअस हुआ. कहां पे कंटीन्यूअस हुआ तो एट x इज इक्वल टू 1 बट नॉट एट x इज इक्वल टू माइनस 1. Move to the next question, question number 49. Function diya hai x minus 1, 1 upon 2 minus x is not defined at x is equal to 2 if function is continuous then. Now as we all know that if the function is continuous then left hand limit is equals to right hand limit. Limit tends to point is equal to limit at a point. Abhi humare paas value nikalni hai f of 2. And if the function is continuous then f of 2 is equal to limit x tends to 2. Function is in the form of x minus 1 to the power 1 upon 2 minus x. Function ke sir ke upar jab function jaake baithe wo samay pe pattern lo e to the power limit x tends to 2. Theek hai? फंक्शन है आपका x माइनस 1 उस पे से फिर से एक माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस x. वैल्यूज को बराबर बराबर से काउंट. अभी आपके पास के टर्म देखो बेटा x माइनस 1 यानी कितना हो गया तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ये बना x माइनस 2 और अपॉन में है 2 माइनस x. देख लीजिए e टू द पावर लिमिट x tends to 2 ये x minus 2 जैसे का वैसा रहा इससे minus बाहर मांगा x minus 2 this get cancel बचा कितना तो e to the power minus 1 which is our required answer. तो in the question number 50 function कैसा continuous है differentiable है और कहां कहां पे ये सबसे important. तो देखिए बेटा सबसे पहला ऑप्शन दिया है. अभी यहाँ पे क्या चीज का ध्यान रखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ. अभी ऑल ऑफ दिस अगर ऑप्शन आया इसका मतलब बचे हुए तीनों ऑप्शंस को चेक करना बनता है. सो सबसे पहले मूव हो जाते हैं अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 गई तो क्या. सो व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस that is equal to 1 minus 3 mod of 1 minus 3 minus 2 and minus 2 which is nothing but the 2. ठीक है. फिर next value देखते हैं हम लोग limit x tends to
वन ये हुआ पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया निगेटिव. वैल्यूज जो है उसमें डालिए, सो 1/4 -3/2 +13/4. कहाँ से आई ये वैल्यूज, क्योंकि x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू 1. नाउ वैल्यूज आर 1 + 13 = 14, सो 14/4 विच इज नथिंग बट द 7/2 and 7/2 -3/2 which is a 4/2. 4/2 is equal to 2. Left hand limit is equals to right hand limit. Function is continuous at कहाँ पे continuous हो गया, तो at x is equal to 1. Next दिया है function also continuous at x is equal to 3. क्या सही में function x is equal to 3 पे continuous है यार. फिर एक दिया है डिफरेंशिएबल एट, कहां पे डिफरेंशिएशन करना है, दैट x is equal to 1. देख लो डेरिवेटिव ऑफ x minus 3 इज सिंपली 1. डेरिवेटिव ऑफ देन पॉइंट डेरिवेटिव ऑफ x square twice x upon 4 minus डेरिवेटिव ऑफ 3x upon 2, सो 3/2. डेरिवेटिव ऑफ 13/4 कांस्टेंट, सो 0. इट मींस 1. यहाँ पे आपके पास वैल्यू देखो बेटा क्या हो गया है, x by 2 minus 3 by 2. और x कहाँ पे differentiation दे रहा, तो 1 पे. So 1 minus 3 upon 2, your values are accordingly, यहाँ पे values थे आपके पास. So 1 by 2, 3 by 2 and values जब दिए गए, so values आए हमारे पास minus 1. Values कितने आ गए हमारे पास, minus 1. क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, ये जब ढूंढने गए हम लोग, और ये लेस देन था इसका मतलब डेरिवेटिव दिया माइनस के साथ, सो ये भी माइनस, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया कहां पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू. दो ऑप्शन एट ए टाइम करेक्ट हो रहे, इट मीन्स अल्टीमेटली आपका तीसरा आंसर भी करेक्ट था, दैट इज कंटिन्यूअस एट कहां पे, तो 3 is equal to 0 डाल के देखो mod of x minus 3 x plus 3 के लिए, so you getting all of above. वैसे ही बढ़ते हैं question number 51 के तरफ. What exact values are given? So limit x tends to 0 sine of x square upon x, function continuous है या नहीं है वही हमें ढूंढना है. So यहाँ पे देख लो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 जा, फंक्शन है साइन ऑफ x स्क्वायर, यानी अपॉन में भी लगेगा x स्क्वायर, पर अपॉन में तो x ही था, तो मैंने एक्स्ट्रा का x स्क्वायर लिख लिया, इसका मतलब यहाँ पे कौन जाएगा x, इतने लिमिट की वैल्यू हुई 1, x टेंड्स टू 0, 1 इंटू 0 0, सो हमारे पास f ऑफ 0 भी 0 ही था. फंक्शन कैसे हुआ, तो फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस. पर क्या फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है क्या, तो उसके लिए हम लोगों को लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को ढूंढना होगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव, यहाँ पे ये ले लिया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ के फॉर्मेट में था, एंड डेरिवेटिव ऑफ का जब कॉस ऑफ फॉर्मेट में था, ये आपने क्वेश्चन रूल यूज किया, तो हमारा फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया कहां पे, तो एट x इज इक्वल टू 0. नाउ सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ध्यान में आ रहा अपॉन में जो है वो x क्यूब देखे, और x क्यूब देखे इसी का मतलब आपको टोटल 3 बार एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है. देखो बेटा पहले x into 1 plus a cos x में product rule use हुआ, so first function derivative of 1 plus a cos x minus a sin x plus second function 1 plus a sin x, derivative of x 1 नहीं लिख रहे हम लोग, और derivative of minus b sin x बना माइनस बी कॉस एक्स, इसको अपॉन कितना चलेगा, तो अपॉन आ गया 3x स्क्वायर. अभी भी हम लोग क्या है यहाँ पे, तो अभी भी हम लोग डेंजर जोन में ही है, क्योंकि अपॉन एक्स है, एक्स टेंड्स टू 0 है, यानी और एक बार लगा लेते
फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चला लो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन माइनस ए साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स इज ए कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस बी कॉस एक्स बना प्लस बी साइन एक्स एंड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर बना 6x। फिर से आ गए हम लोग उसी मोड पे क्योंकि x बाकी है। सो अगेन यूजिंग द रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए साइन x इज माइनस ए कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस x इज माइनस ए साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी साइन x बी कॉस x एंड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 6x इज सिंपली 6। ये सब होने के बाद अभी हम लोग डेंजर जोन से बाहर आ गए, जहां जहां पे x है वहां वहां पे वैल्यू डालो, पर साइन ऑफ जीरो जीरो, उसके बाद कॉस ऑफ जीरो हुआ आपका, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी तो वन, यानी हमारे पास वैल्यू क्या बच गई यहाँ पे तो माइनस ए, फिर से एक बार माइनस ए साइन ऑफ जीरो जीरो और प्लस बी इज इक्वल अपॉन सिक्स। फंक्शन कैसा था तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, और फंक्शन कंटिन्यूअस जब था तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी वन थी, यानी ये इज इक्वल टू कितना बेटा वन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बन गया माइनस ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स, मिल गई ये वैल्यू। इसी को आप ऐसा लिखा सकते हो ट्वाइस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अभी यहाँ पे हिंट एंड ट्रायल मेथड से अगर जाते हो तो एक एक वैल्यूज डाल के देखो, सो विच वैल्यूज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वो देखते हैं। टू इंटू फाइव बाय टू माइनस थ्री बाय टू, सो टू इंटू फाइव टेन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू विच इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री सेवन अपॉन टू, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, सो नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस टू माइनस फाइव बाय टू माइनस माइनस थ्री बाय टू, सो वैल्यूज आर एंड अकॉर्डिंगली वी गेटिंग अवर आंसर। सो एज पर अवर वैल्यूज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय यूजिंग विच मेथड हिंट एंड ट्रायल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।